हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी विटामिन डी के ऊपर। उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट किया, तो उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर मैं उस वीडियो को एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप जाके एक बार जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवियन 400 कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किन लोगों को इसे लेना चाहिए, लेने का सही तरीका क्या है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक बी हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड कलर के बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो लाता हूँ आपके स्वास्थ्य के लिए तो वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। तो अब जानते हैं इवियन कैप्सूल आखिर होता क्या है। इवियन कैप्सूल विटामिन ई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल का जो घटक है उसे बोलते हैं टोकोफेरल एसिटिक, मतलब विटामिन ई। इवियन कैप्सूल का मार्क फर्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, काफी फेमस कंपनी है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 200 mg में आता है, 400 mg में आता है और 600 mg में आता है। सबसे ज्यादा लोग इसे 400 mg में ही इस्तेमाल करते हैं। और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो 400 mg की जो प्राइस है वो है सिर्फ 22 रुपए। तो इसके जो गुणों को देखते हुए इसका जो 22 रुपए का प्राइस है ये काफी किफायती है। इस कैप्सूल का जो आवरण है उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव है। इस कैप्सूल के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमें विटामिन ई के बारे में जानना होगा। इवियन कैप्सूल गुलाबी या फिर हरे कलर में दिखाई पड़ता है, पर असलियत में ये एक आर्टिफिशियल कलर होता है। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब इस विटामिन को आपकी बॉडी के द्वारा सोख लिया जाता है। आपकी बॉडी में ऑयल का होना जरूरी है। जरूरी ऑयल का मतलब ये है कि जो ओमेगा 3 होते हैं, ओमेगा 6 होते हैं, जो हेल्दी ऑयल होते हैं। आपको बाहर का जो फ्राई वाला ऑयल होता है, जो बाहर के चाइनीज वगैरह होते हैं, वो आपको नहीं खाने हैं। जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं, जैसे कि फिश ऑयल हो गया या फिर अखरोट में जो आपको ओमेगा 3 या फिर ओमेगा 6 मिलता है, वो वाला ऑयल हो गया। आपको हेल्दी जब ऑयल आप लेंगे आपके बॉडी में, उसके बाद जब आप विटामिन ई लेंगे तभी आपकी बॉडी के द्वारा सोखा जाएगा और आपको सहायता पहुंचाई जाएगी। विटामिन ई जिस कामों में आता है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। जब आप खाना खाते हैं या फिर आप सप्लीमेंट लेते हैं, इसके द्वारा जब आपकी बॉडी को विटामिन ई मिलता है तो आपकी बॉडी इसे स्टोर करके रख लेती है। उसके बाद जब आपको जितनी मात्रा में जरूरत होती है आपकी बॉडी को, तो उतनी मात्रा में यह आपको पहुंचाती है। इसलिए अगर आप इसका ओवरडोज करेंगे तो फिर यह आपके लिए एक खतरा है। विटामिन ई नेचुरली बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि सोयाबीन, अंडा, केला, चना, लगभग सभी दालें जो कि हम रोज अपने आहार में लेते हैं, हम खाते हैं। उसके बाद में विटामिन ई आपको फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी बचाता है, मतलब जो भी आपकी कोशिकाएं होती हैं उन्हें जल्दी से ये मरने नहीं देता, उन्हें खराब नहीं होने देता है। इसका मतलब साफ है, अगर आपकी कोशिकाएं जल्दी खराब नहीं होंगी तो फिर आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे। विटामिन ई खून की तरलता को बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है। विटामिन ई से जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो जाती है, वो ब्लॉकेज होने की वजह से जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका दिल है या हार्ट में जो दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए भी विटामिन ई ही दिया जाता है, उनको सजेस्ट किया जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है, उससे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज की वजह से, तो उन बीमारियों में भी विटामिन ई सजेस्ट किया जाता है। कभी कभी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेने की वजह से आपके जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, और जब आपके मसल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं तो एक तो उनमें पेन भी रहता है ज्यादा टाइम तक, वो रिकवर नहीं हो पाते, और दूसरा वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। तो जब तक वो लूज नहीं होंगे तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे। बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल जिम ट्रेनर, सो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, उस टाइम पे अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो फिर आपका जो ब्लड है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया ब्लड में तरलता आती है, तो फिर ये ब्लड में जब तरलता आएगी तो फिर ये जो आपके हार्ड मसल्स हैं उनको भी सॉफ्ट करेगा और आपको रिलैक्स प्रोवाइड करेगा आपके मसल्स को। विटामिन ई हेयर और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए। और जो लोग धूम्रपान करते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को लंग का कैंसर का खतरा बना रहता है, तो उस खतरे को कम करने के लिए भी विटामिन ई का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। तो फ्रेंड चलिए जल्दी से जान लेते हैं विटामिन ई
का ओवरडोज लेने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, विटामिन ई ज़्यादा लेने से आपके शरीर में स्टोर होता है, तो ज़्यादा स्टोर होगा तो उसकी वजह से आपको जी मचलाएगा, आपके माउथ में हमेशा पानी आएगा, आपको उल्टी आ सकती है, पेट में दर्द होगा, ऐठन हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है, विटामिन ई अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक लगातार लेते रहते हैं तो फिर उसके बाद जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब मेरा ये लास्ट सजेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है, स्पेशली जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है या फिर होने वाली है, ऐसे लोग बिल्कुल भी विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। उनके साथ में कोई भी विटामिन ई का इस्तेमाल बिना डॉक्टर से परमिशन लिए इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो सकती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, किस तरह से इसका टेस्ट करना होता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस विटामिन से रिलेटेड या फिर हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।